शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। क्या हुआ? कुछ चुभ रहा है। हाँ तो मुझे बोलो ना, मैं देखता हूँ। कैसी लगेगी ये पहन लूं क्या? ये नहीं, ये तो अच्छी नहीं है। वरुण जी ये कैसी लगेगी? अब कीर्ति, अब ये ज्यादा छोटी नहीं हो जाएगी? और देखो चमकीली भी कितनी है, अच्छी नहीं लगेगी, राइट? हाँ चमकीला तो बहुत है, ये अच्छा नहीं है। फिर कौन सा पहनूं? ये वाला। कीर्ति कल पार्टी में कोई तमाशा मत करना प्लीज। वरुण जी आपको हम पे विश्वास नहीं है क्या? है पर मैं बस। वरुण जी आप बिल्कुल फिकर मत करिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे त्रिपाठी खानदान का नाम खराब हो। ओके ओके। कौन सा ड्रेस पहनूं? ये वाली अच्छी है ना, ये हम पे अच्छा लगेगा ना, बताइए ना। अरे तुम पे तो कुछ भी अच्छा लगेगा। और ये ड्रेस, हाँ इसका लेंथ भी बिल्कुल सही है, ये सबसे बेस्ट है। हाँ ये परफेक्ट है, हम यही पहनेंगे। घर की खुशियों को किसी की भी नजर नहीं लगने दे सकती। अरे कहां रह गई थी तुम? आप सो जाइए। तुम कीर्ति की फिक्र मत करो, छोड़ दो उसे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? छोटी बहन है मेरी, अगर वो गलत रास्ते पर जाएगी तो उसकी बड़ी बहन कान खींच कर उसे सही रास्ते पर लेके आएगी। कल 7 बजे उसे पार्टी करनी है, कोई वक्त है पार्टी करने का? कोई बात नहीं, सुबह कोई वक्त पे नहीं पहुंच पाएगा। शाम के 7 बजे हमेशा मेरी मदद आप ही करते हैं अभय, थैंक यू। कीर्ति हमारी अच्छाई और धैर्य का बहुत गलत फायदा उठा रही है। क्या साबित करना चाहती है तू? कीर्ति अब किसी की भी बात नहीं सुन रही। और ऋतु हमें तो अब कल होने वाले तमाशे से डर लग रहा है। तमाशे? असली तमाशा क्या होता है ये हम उसे बताएंगे, उसके पर तो काटेंगे ही, ये पार्टी भी नहीं होने देंगे। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे बुआ जी। तुमने भी हम पर हुक्म चलाना सीख लिया है। माफ कीजिएगा बुआ जी, पर पार्टी तो होके ही रहेगी। नहीं होता है, कभी ताने और कभी ये आरती।
कौन चिल्ला रहे, किसको सुबह सुबह? मैं ना चौके देखती हूँ। कीर्ति ने हद कर दी, सुबह सुबह इसके लिए बुलाया था। तो ऐसे दिखा रही थी जैसे खानपुर में इससे बेहतर पार्टी हो ही नहीं सकती। क्या कह रही थी कि जबरदस्त पार्टी करना है तो पहुंच जाओ, और यहां देखो। मुफड़ तो थी, शादी के बाद तो झूठी भी हो गई है। क्या हो रहा है, क्या है ये सब? तुम लोग ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? माता रानी, सुबह सुबह हमारी बहू को सोने वाले कपड़ों में सारे मोहल्ले ने देख लिया। अब कीर्ति, तूने ना बहुत अच्छा फैसला किया अपने दोस्तों को सुबह सुबह बुलाकर। देख ना, इनकी सुबह की शुरुआत भी कितनी जल्दी हो गई, और वो भी हमारे पूरे परिवार के साथ। और नहीं तो क्या, तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हारे दोस्त और हमारे परिवार को एक साथ आदत डाल देनी चाहिए। तो देखो कितने खुश है तुम्हारी सखी और सहेलियां, खुश है ना आप? वो जी कीर्ति, आरती, वरुण बेटा प्रसाद दो सबको। जी मैम। कीर्ति, अब कभी पार्टी में हमें मत बुलाना, वो भी अपने घर। और ये पूजा पाठ हमारे यहाँ भी होता है, इसके लिए तुम्हारे घर आने की जरूरत नहीं है हमें। अरे चलिए ना, आप सब भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। वरुण बेटा, अपनी पत्नी के दोस्तों की खातिरदारी नहीं करेंगे आप? अरे नहीं नहीं आंटी, प्रसाद से पेट भर गया हमारा। चलो। नहीं नहीं, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कीर्ति तुम सुनो, तुमने हमारा दिन ही नहीं खराब किया, बल्कि कल रात की विनय की पार्टी का नशा भी खराब कर दिया। तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कीर्ति। चलो चलो। अरे नाश्ता तैयार है, हम लोग सब चल के नाश्ता कर लेते हैं ना। कीर्ति तू भी जल्दी से आ जा, हम तेरा वेट करेंगे। चलिए बुआ जी। चले स्वीटू। हमारा दिन खराब करके अब हमने आप सबकी रातों की नींद न उड़ा दी, तो हमारा नाम भी कीर्ति त्रिपाठी नहीं। इसकी मैयत आई है इस वक्त, जो इतना तेज बाजा बजा रहा है। अरे उठना है, इतनी शोर से गाना बज रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा तुझे। चल जाकर देखते हैं। आवाज कहाँ से आ रही है? शायद नीचे से आ रही है। हाँ आप सही कह रहे हैं।
प्यास बुझा दे ताई मुर राजा बरसा पीरीत के पानी चढ़ती जवानी मजेदार के धीरे धीरे ले ले भाभी ये चमकादड़ की तरह चमक गई है हमारी नींद रातों के आराम करके रखी आपकी बहू ने बदतमीज कही की राजा ले ले मजा बलमा ले ले मजा नन मन ना लडार के धीरे धीरे ले ले मजा चढ़ती जवानी मजेदार के धीरे धीरे ले ले मजा अरे और चढ़ाओ इसे हमारे सर पे अब देखो सबके सर पे चढ़ के ये नाच रही है हाँ छुए नहीं है कानू आज तक मोला सुर सुर न्योता देवत हूँ तोला तन मन लाए के मामी झार के धीरे धीरे ले ले मजा चढ़ती जवानी मजेदार के धीरे धीरे ले ले मजा नशा चढ़ा ले मन ला मचा ले आ जल्दी राजा एक दांव तो लगा ले भाई हमा मोला ले पोटार के धीरे धीरे ले ले मजा दीदू कितनी बार हमने बोला है कि जब हम अपना टॉक टॉक वीडियो बना रहे हैं तो हमारी वीडियो के बीच में अड़ंगा मत डाला करिए कीर्ति अभी कमरे में चलो नहीं जाना हमें कीर्ति ये कोई वक्त है कीर्ति इतना शोर मचाने का घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे अच्छा हमें तो लगा था यहाँ जिसकी भी नींद जैसी भी हो हमें ना अपने तौर तरीके नहीं बदलने चाहिए सुबह हम भी तो सो रहे थे ना गहरी नींद में पर आप लोग सब भजन कीर्तन याद है अब आप लोग सब सुबह वाले लोग हैं हम रात की रानी है अब एक ही घर में सबके साथ रहना है तो एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना मतलब कीर्ति तू यहाँ घर में सबसे बदला ले रही है अरे दीदू आप क्या समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है हम तो बस अपना टॉक टॉक वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ भी नहीं सुबह सारे लोग उठ जाते हैं काम में लग जाते हैं तो हमने सोचा है आज से हर रात हम अपनी वीडियो की प्रैक्टिस किया करेंगे कीर्ति एक मिनट वरुण वाह जी वाह अब महारानी जी को नाचना है तो अब हम इनके ढोल पर दिनाधिन धा बजाना शुरू कर दे है ना महारानी जी कीर्ति बेटा ये तो ठीक कह रही तुम अपना ये अभ्यास दिन में करा करो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा रात को इस समय दिन के थके हारे सब शांति से सोना चाहते हैं बेटा पर पापा जी हमें रात को नींद ही नहीं आती ना तो हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और आप लोग सुबह उठ के वो भजन कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी नींद खराब हो जाती है पर हमने कभी किसी को कुछ कहा नहीं ना इतने देर में तो हम अपना वीडियो भी कंप्लीट कर लिए होते दीदू आप लोग सब ना
आज आपने हमारे स्पीकर का वायर निकाल दिया है, लेकिन हर रात ये नहीं कर पाएंगी। कल सुबह ही जाके हम नया वायर लाएंगे और कल रात से हर रात हम अपनी वीडियो की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों से कीर्ति के इस हरकत के लिए मैं माफी मांगती हूँ। बड़ी महारानी जी, जब रायता समेटा नहीं जाता तो फैलाती क्यों हो? तुम्हीं ने कहा था ना कि छोटी महारानी जी की बात हम मानेंगे, उसे खुश रखेंगे तो वो सुधर जाएगी। लेकिन ये नहीं कहा था कि हमारे सर पर बैठकर नाचेगी और ढोल भी बजाएगी। बुआ जी, अब कीर्ति जो करेगी उसके हिस्से की डांट भी आप श्रद्धा को लगाएंगी क्या? इस घर में भूकंप भी आ जाएगा ना तो भी आप श्रद्धा से ही बोलेंगी। देखो, तुमने इस घर में पैर रखे और हमारा पूरा घर हिल गया। अरे, इस घर की शांति के लिए वो क्या नहीं करती है, फिर भी आप सब ये। हाँ तो ऐसी कोशिश करती ही क्यों है? जिससे हमारी परेशानी सुलझने की जगह और ज्यादा उलझे। और तुम अपनी बीवी पर लकाम लगाओ वरना सच में एक दिन घर गिर जाएगा। हे भगवान, पता नहीं हमारे घर की शांति को किसकी नजर लग गई। हमें पहले स्थिति को संभालो वरुण, फिर सहानुभूति दिखाना। चलिए दादा जी, रात बहुत हो गई है, सबको सोना चाहिए। चलिए। नींद हराम करके रख दी है दोनों बहनों ने। आप सो जाइए, मैं आती हूं। इनका बस चले तो हम घुट घुट के यही मर जाए, लेकिन हम भी ना चुप नहीं बैठे। जब तक वरुण जी हमारे साथ है कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्पीकर का वायर? वरुण जी, मतलब दीदू के साथ मिलकर वरुण जी ने ये सब किया? श्रद्धा, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन कीर्ति घर को छोड़ के ना जाए इसलिए ये सब करना पड़ा। तुम तो उसकी इज्जत समझती हो ना? मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी वरुण जी, लेकिन वरुण जी, कीर्ति का ध्यान आपको ही रखना होगा। वो जिद्दी के साथ साथ तेज भी है, अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई ना तो आप पर से भी विश्वास उठाने से पहले वो दो बार नहीं सोचेगी। श्रद्धा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि ये रोज रोज के कीर्ति के तमाशे का डर खत्म हो जाए? मैं कीर्ति को दुखी नहीं देख सकता और तुम जानती हो कि वो इस घर में खुश नहीं है। फिर दूसरा भी डर रहता है कि कहीं शादी की रात का वो सच उसके सामने ना आ जाए।
वाला सच? ऐसा क्या हुआ उस रात वरुण से? हे भगवान, बहुत प्यास लग रहा है। मौका मिलता नहीं है कि ये लड़की को ना बहाना मिल जाता है बस देर तक नीचे रहने के लिए। अरे पता नहीं ये अपनी बहन के चक्कर में इतना पगला खाए जाती और पूरे परिवार को ही भूल जाती। हाँ तरु भाभी, तरु भाभी, हाँ भगवान, आप इतना हड़बड़ाती हुई कहाँ से आ रही हैं? कहीं आग लगा के आ रही हैं कि आग बुझा के आ रही हैं? पानी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, हम आपको अभी पानी पिलाते हैं। ये लीजिए, पीजिए पानी, पीजिए, ये लीजिए, आप पानी पीजिए शांति से, फिर सांस लीजिए और फिर बताइए कि हुआ क्या है। हाँ आप बताइए कि हुआ क्या है भाई, सांस तो लेने दीजिए हमें। अच्छा अच्छा, सांस ले लीजिए। बोलिए भाभी, हम खबरें ऐसी लेकर आए जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। हम क्या बताएं भाभी, ये खबर खुद अपने आप में आ गए। अरे क्या हुआ होगा, वो कीर्ति फिर कोई कांड कर दी होगी और क्या। नहीं, वरुण ने। क्या वरुण भड़क गया क्या कीर्ति पे? नहीं भाभी। अरे तो फिर गुस्से में उसने हाथ उठा लिया क्या? यहाँ भी भाभी। अरे अब भाई तो सीधे सीधे बोलो ना कि हुआ क्या है। अरे आप हमें बताने दे तो हम बताएं ना, कब से आप ही बोले जा रही है, खबर हमारे पास है आपके पास नहीं। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए हुआ क्या है। हम बताते। बताइए। शादी वाली रात आपको याद है, श्रद्धा के पीछे गुंडे पड़े थे। हाँ वो गुंडे किसने भेजे थे? किसने आप सोच भी नहीं सकते, उसने। कौन है बताओ तो। अरे बोलिए तो, किसने? वरुण ने। क्या? हे भगवान। हे भगवान, वरुण? हाँ भाभी, वरुण ने। दरअसल बात ये है कि वरुण शुरू से ही कीर्ति को बहुत पसंद करता था। क्या? हाँ, ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि श्रद्धा मंडप तक ना पहुंच सके और कीर्ति पहुंच जाए, कीर्ति और वरुण की शादी हो जाए। हे भगवान, ये अब क्या बोल रही है रे तू? हाँ भाभी, हम सच कह रहे हैं। देखा है ना ये भूकंप फोड़ खबर, इसे सुनकर पूरा त्रिपाठी घर ऐसे हिल जाएगा। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन एक बात बताइए, आप ये बात किसी को बोली तो नहीं है ना? नहीं भाभी, हमने किसी को नहीं बताया, सबसे पहले आप ही को आकर बता रहे। नीचे तो ना सब बहुत परेशान है पहले से, तो क्या बताते, इसलिए नहीं बताया। क्या करें, एक काम करते। हाँ। मैं ना भाभी को ही बता देती। अरे नहीं नहीं, आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब तो वरुण को ही जवाब देना होगा, वो भी कल ही। हाँ ये भी सही है। मैं निकल रहा हूँ, अपने पहले काम की शुरुआत में किसी तमाशे के साथ नहीं करना चाहता। अभय, एक मिनट, आज आपके काम का पहला दिन है ना, तो पूरी शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ से ये आपके लिए। थैंक यू। मना लो खुशियाँ अभय, मजा तो तब आएगा जब तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ आज हम उड़ाएंगे। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।